आज हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज करके क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू भुजिया सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। एक मिक्सर जार में 1 कप हरा धनिया लेंगे, 1/4 कप पुदीने के पत्ते, 1 से 2 अदरक के टुकड़े, 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून काला नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना दाल लेंगे, 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करके इसकी फाइन चटनी बनाएंगे। ठंडा पानी ऐड करने से देखिए फ्रेंड्स, चटनी का कितना बढ़िया ग्रीन कलर आया है। इसे साइड में रखेंगे और सैंडविच असेंबल करेंगे। 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, इसके मैंने एजेस कट कर लिए हैं। अच्छी तरह से दोनों स्लाइसेस पे बटर अप्लाई करेंगे। दो टेबल स्पून जितनी आलू भुजिया सेव रखेंगे। चीज ग्रेट करेंगे, यहाँ पे मैंने रेगुलर प्रोसेस चीज का यूज किया है। थोड़ा सा हरा धनिया रखेंगे, दूसरी स्लाइस पे हरी चटनी लगाएंगे। इसे कवर कर लेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। आलू भुजिया सैंडविच बनके तैयार है। सैंडविच को कट कर लेंगे। आप इसे एज अ इवनिंग स्नैक्स भी बना सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सर्व कर लेंगे।